Hello friends welcome you all on ME igniter. In the last video we have discussed about acetylene gas and its properties. Now in this video we will learn about the principle of acetylene gas generation. This is the most important point uh, related to the oxyacetylene plants. When we are looking for oxyacetylene plant then these points I mean acetylene gas generation, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उस टाइम पे हमें इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है सो so, प्लांट समझने से पहले हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ एसिटिलीन गैस जनरेशन जानना बहुत ही जरूरी है सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एसिटिलिन गैस जनरेशन सोनाउ हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एसिटिलीन गैस कैसे जनरेट करते हैं हाउ टू जनरेट एसिटिलीन गैस फॉर गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सो so, लास्ट वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसिटिलीन जो है इट इज अ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था सो so, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंसिपल बता देता हूँ प्रिंसिपल इसका ये है कि जब वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ ऐड किया जाता है तो वाटर और केमिकल वाटर और कैल्शियम कार्बाइड के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से क्या होता है कि एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, है ना यानी कि मैं यहां पे लिख दूं वेन वाटर इज एडेड विथ विथ कैल्सियम कार्बाइड it produce it reacts reacts and produce acetylene gas and कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं सो वेन वाटर इज एडेड विथ कैल्सियम कार्बाइड इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस एज गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जब हम लोग वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स करते हैं या फिर वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमें एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है या फिर उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम लोग वाटर को किसके साथ मिक्स करेंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जो रिजल्ट होगा वो एसिटिलीन गैस होगा एसिटिलीन गैस प्लस इसके साथ और क्या मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं नीचे भी लिख देता हूं कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके सो जब हम लोग वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स कराते हैं या फिर कैल्सियम कार्बाइड को वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं या फिर मिक्स कराएं तो इन दोनों के बीच के एक केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन से हमें एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है अब कैल्शियम <coughs> इसके बाद क्या होता है कि हम लोग एसिटिलीन गैस को अलग कर देते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर देते हैं एसिटिलीन गैस को हम लोग अलग करके अपना गैस वेल्डिंग या कटिंग में यूज के लिए फर्दर रख लेते हैं बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ स्लेक्ड लाइम इसको अलग कर दिया जाता है दोस्तों सो so, आगे अगर इसको केमिकल इसका केमिकल सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं तो इस तरह से हो जाएगा कि वाटर को H2O हो गया प्लस कैल्शियम कार्बाइड का होता है केमिकल सिंबल सी यानी कि जब एच को सी एच टू ओ को सी ए सी टू के साथ मिलाया जाता है तो इसके बीच जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती केमिकल रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से हमें सी टू एच टू मिलेगा प्लस सी एच ट्वाइस मिलेगा तो ये हमारा यहाँ पे अभी ये बैलेंस नहीं हुआ यहाँ पे मैं टू कर देता हूँ तो ये बैलेंस हो गया तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि वाटर अब ये हमारा क्या हुआ वाटर हो गया ये हमारा क्या हुआ कैल्शियम कार्बाइड हो गया और ये जो हुआ एसिटिलीन हुआ और ये जो केमिकल जो सिंबल हुआ वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हुआ तो यानी कि जब हम लोग वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स कराएंगे तो या फिर ऐड करेंगे कैल्शियम वाटर को कैल्शियम कार्बाइड के साथ ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से हमें क्या प्रोड्यूस होगा सी टू एच टू प्लस ये ओ एच कि एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रो तो उस एसिटिलीन गैस को हम लोग अलग कर लेते हैं और अलग करके उसको हम लोग फर्दर अपने काम में या फिर एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको यूज करते हैं दोस्तों तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे जनरेट होता है यानी कि कैल एसीटीन जनरेट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए कैल्शियम कार्बाइड और वाटर ये दो चीज़ चाहिए ये दो चीज रहेगा तो ही हम लोग एसिटिलीन जनरेट कर पाएंगे लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी है एसिटलीन गैस का कि एसिथिलीन गैस जो है वो वाटर और एल्कोहल के साथ वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है और उसमें आ, मतलब कि वो आ, उसमें बहुत जल्दी घुल भी जाता है तो इसी वजह से क्योंकि आ, इसमें जो मेन जो अगर आ, वो बोला जाए कि जो एसिटिलीन गैस है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कैल्सियम कार्बाइड और वाटर के ऊपर दोस्तों तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कि वी कैन से एसिटिलीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर हम लोग कह सकते हैं तो हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग कि एसिटिलीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच हो रहा है केमिकल रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर ये दोस्तों तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिटिलीन एसिटिलीन जो गैस है वो किसका प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है है ना कैल्सियम कार्बाइड और वाटर के केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है कौन एसिटिलीन गैस दोस्तों तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ एसिटिलीन जनरेटर के बारे में कि कितने प्रकार के सेटिलीन जनरेटर होते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो